अरे धूल माटी लागे दीहन भैया बागेश्वर बाबा जी के पाँव में। अरे स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। अरे केहू नहीं रोकी बाबा कह द खुशी से आबे ल भक्तन के भीड़ बभारी तोहसे अरजी लगावे ल। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत की तैयारी तो हो ही रही है, इसके साथ साथ इनसे मिलिए। इनका नाम है रोहित और इन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर गाना बनाया। कौन सा गाना बनाया है आपने? जी वो गाना जो बागेश्वर बाबा जब नौबतपुर में आएंगे उनके आने से पहले ही हम उनके गाने के माध्यम से स्वागत करते हैं। और जो गाना है वो नौबतपुर गाँव में आने वाले उन्हीं के गांव के बगल और जो बागेश्वर बाबा हैं दोनों को मिलाकर मतलब गाना बनाया गया है। गा दीजिए एक बार गाना। ठीक है गात। अरे धूल माटी लागे दीहन भैया बागेश्वर बाबा जी के पाँव में। अरे धूल माटी लागे दीहन भैया बागेश्वर बाबा जी के पाँव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के। अरे स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। खड़े खड़े देखब धूप में लेकिन रखब उनके छाँव में। खड़े खड़े देखब रह के धूप में लेकिन रखब उनके छाँव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर के गांव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर के गांव में। अरे केहू नहीं रोकी बाबा कह द खुशी से आबे ल भक्तन के भीड़ बभारी तोहसे अरजी लगावे ल। केहू नहीं रोकी बाबा के कह द खुशी से आबे ल भक्तन के भीड़ बभारी तोहसे अरजी लगावे ल। पैदल हम चल जाइब पैदल हम चल जाइब बैठा के विदा करब तोहके नाव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के। अरे स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर के गांव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा जी के नौबतपुर गांव में। ऐसे करेंगे खुद धूप में रहेंगे लेकिन उनको छांव में रखेंगे। तमाम बातें इन्होंने गाना के माध्यम से की और बागेश्वर धाम बाबा के स्वागत में इन्होंने ये गाना गाया।